हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है ये मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहला अपना ब्राउजर ओपन करना है, उसके बाद सर्च करेंगे ssc.nic.in पे सर्च करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहली साइट दिख रही है, उसे ओपन करना है। उसके बाद ऊपर में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो अलग अलग रीजन दिए गए हैं, जैसे कि मैं गुजरात से रहता हूँ इसलिए मेरा वेस्टर्न रीजन आएगा, उसी तरह आपको अपना यहाँ रीजन सिलेक्ट करना है। ये जो आपके सामने नोटिफिकेशन आई है उसे हमें क्लोज कर देना है। यहाँ पर जो लेफ्ट में ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको स्टेटस ऑफ कैंडिडेट और डाउनलोड एडमिट कार्ड है वहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पहली लाइन पे लाल अक्षर पे लिखा है स्टेटस स्लैश डाउनलोड एडमिट कार्ड, उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दो तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड ओपन कर सकते हैं। ऊपर जो बॉक्स दिए गए हैं उसमें से हम हमारे रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन आईडी से ओपन कर सकते हैं, और नीचे वाले बॉक्स में हम हमारे नाम से एडमिट कार्ड ओपन कर सकते हैं। अब मेरे डिटेल्स मैं डाल देता हूँ। उसके बाद वेरीफाई ह्यूमन के लिए मैथ्स का एक सिंपल आंसर देना है, मैं यहाँ पर आंसर डाल देता हूँ 5 + 4 = 9, और फिर सर्च नाउ पे क्लिक करना है। अब मेरा स्टेटस ओपन हो गया है। मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि मेरा एग्जाम डेट थोड़ी दूर है। अगर आपकी एग्जाम डेट नजदीक होगी तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख जाएगा। आपका एडमिट कार्ड कब आएगा ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने का ना भूले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूंगा।